मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। बरेली में पत्रकार की हत्या पर गहरा रोष पत्रकारों ने जताया। बता चले कि बलिया में पत्रकार रतन सिंह की हुई हत्या के मामले में जिला बरेली स्थित ऑल इंडिया प्रेस जर्नल एसोसिएशन एफजे के जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार व अन्य पत्रकार साथियों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन आज स्थानीय कलेक्ट्रेट मुख्यालय में उपस्थित एसडीएम नवाबगंज को सौंपा। यह कि पत्रकार आज सुरक्षित नहीं है, इसके खिलाफ लिखे जा रहे झूठे मुकदमे, सच्ची खबर छाप देने पर विपक्षी अपराधियों द्वारा निंदतापूर्ण की जा रही पत्रकारों की हत्या अपने आप में अत्यंत दुख का विषय है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने वाला मीडिया अपराधियों सामाजिक तत्वों द्वारा निरंतर निशाने पर लिया जा रहा है, जिसका प्रमाण गत दिवस बलिया में पत्रकार रतन कुमार की हत्या, जिन्हें सार्वजनिक रूप से बदमाशों द्वारा फायरिंग कर मार दिया गया। स्थानीय एफजा एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष समेत मंडल सदस्य पत्रकारों ने विपक्षी हत्यारों की सजाए मौत फांसी की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिला अध्यक्ष, हमारी ये मांग है बलिया में जो रतन कुमार सिंह की हत्या की गई है, उन दोषियों के विरुद्ध एफजा एसोसिएशन कड़े शब्दों में निंदा करती है और दोषियों के विरुद्ध फांसी की मांग करती है। साथ ही हमारी ये मांग है, जिस तरह से लगातार प्रदेश में पत्रकारों के प्रति उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, लगातार हत्या होती जा रही है, इस पर शासन प्रशासन के लचीले रवैये का एफजा एसोसिएशन कठोर शब्दों में विरोध करता है और साथ ही यह मांग करता है कि रतन कुमार सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपये व सरकारी नौकरी दी जाए। हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।